हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो ये बरसात का सीज़न स्टार्ट होने से पहले मैंने ये जेड प्लांट की खूबसूरत सी टॉपरी बनाई थी और इसमें मैंने अपने जो पुराने जेड प्लांट हैं उनकी कटिंग्स को लगाया था और साथ में मैंने किया था थ्रेड्स का इस्तेमाल। तो देखिए मैंने इसको धागे के साथ और इस वायर से बांध रखा है। यहाँ पर भी एक वायर है आपको जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है, साथ में इधर ये ब्लू कलर का वायर है। तो हर तरफ मैंने इसको धागे से बांध रखा है। तो ये जो है मैंने चार कटिंग ली थी क्योंकि ये दो वायर लिए हैं मैंने इस तरीके से पैरेलल में, और चार कटिंग ली थी, एक ये एक ये और सेम मैंने इधर से एक कटिंग ये वाली ली थी और एक ये वाली ली थी। तो बरसात का सीज़न स्टार्ट होने से पहले मैंने इनको लगाया था और अभी आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत तरीके से जो हमारे जेड प्लांट हैं ये ग्रो हो गए हैं। तो अच्छे से मैंने इनको प्रोपेगेट कर लिया है। साथ ही साथ मेरे पास जो है जेड पौधे की जो नया जेड प्लांट है वो भी मेरे पास से बनकर तैयार हो गया है। साथ ही साथ मेरे पास एक बहुत ही सुंदर टॉपियरी शेप बन गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है। तो आपके गार्डन में जो है इस तरीके के आप जो जेड प्लांट को ज़रूर लगाइए, और जेड प्लांट की खासियत ये होती है कि आप इसकी छोटी सी कटिंग भी लगाते हैं, यानी कि अगर आप इतनी सी कटिंग भी लगाते हैं ये वाला जो पार्ट है ये भी इसका लग जाता है और ये जो प्लांट है बहुत ही जल्दी लग करके तैयार हो जाता है। आप देख सकते हैं ये जो पहले की हैं तीन कटिंग, एक दो, और ये तीनों कटिंग जो हैं ये पहले से ही लग चुकी हैं और ये जो कटिंग है थोड़ी सी लेट इसमें रूटिंग स्टार्ट हुई है, लेकिन अभी इसकी पत्तियों में भी जान आ गई है। जो पुरानी पत्तियां हैं ये थोड़ी थोड़ी जो हैं उदास हैं, यानी कि थोड़ी सी सिकुड़ी हुई हैं ये, बाकी इसमें जो नई पत्तियां आ रही हैं वो भी अच्छी हैं। ओवरऑल ये वाली जो कटिंग है ये भी हमारी लग करके तैयार हो गई है। तो देख सकते हैं आप मेरे पास कितना प्यारा ये जेड टॉपियरी मैंने तैयार कर लिया है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है। ये जो चीज़ें होती हैं बर्ड्स को आपके गार्डन में अट्रैक्ट करती हैं, साथ ही साथ ये रखी हुई भी काफ़ी प्यारी लगती हैं। और जेड प्लांट एक ऐसा है कि एक ऐसा पौधा है जिसकी छोटी सी कटिंग से आप इसका पूरा का पूरा जंगल तैयार कर सकते हैं। आप एक जेड प्लांट से लाखों जेड प्लांट ले सकते हैं, ये प्लांट बहुत ही ईजीली लगता है। दूसरी इसकी खासियत ये है कि इस पौधे को घर में काफ़ी ज़्यादा शुभ माना जाता है और ये जो है लकी प्लांट माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि इसके जो पत्तियों का शेप है वो कॉइन की तरह होता है, गोल गोल शेप में इसकी पत्तियां होती हैं, तो ये जो है मनी को अट्रैक्ट करता है। तो एक तरीके से इस पौधे को काफ़ी ज़्यादा शुभ माना जाता है और ये जो प्लांट है आपको ज़रूर लगाना चाहिए। इस पौधे को बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है, आप इसकी कटिंग जो है साल में कभी भी लगा सकते हैं सर्दी के मौसम को छोड़ के। तो कटिंग से ये इजीली ग्रो होने वाला पौधा है, बहुत कम पानी की इसे ज़रूरत होती है क्योंकि ये जो पौधा है आप इसकी पत्तियां देख रहे हैं कि ये जो पत्तियां थोड़ी गूदेदार होती हैं, यानी कि ये पत्तियां पानी को अपने अंदर स्टोर करके रखती हैं। तो जब हम ज़्यादा दिनों तक वाटरिंग नहीं करते हैं तो ये जो पौधा है ये अपनी जो है पानी की पूर्ति इस तरीके से इन पत्तियों से कर लेता है, तो बार बार रोज़ाना पानी देने की इसे ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा ये है इसकी खासियत कि ये जो पौधा है ये इंडोर प्लांट नहीं है, ये एक आउटडोर प्लांट है, तो अच्छे से ये सनलाइट को पसंद करता है। आप इसे अपने घर में आउटडोर गार्डन में इजीली इस प्लांट को लगा सकते हैं, बहुत आसानी से लगकर तैयार हो सकता है। किसी भी तरीके की आप इसको शेप दे सकते हैं, आप इससे जेड प्लांट के बोनसाई बना सकते हैं, प्यारी प्यारी काफ़ी तरीके की टॉपियरी शेप दे सकते हैं जैसे कि मैंने दी हुई है। दूसरी बात यह है कि आप इसे छोटे से छोटे और बड़े से बड़े गमले में लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई बड़ा गमला चाहिए, आप इसे छोटे से गमले में भी लगा करके तैयार कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पास ये वाला पौधा है, मैंने इसको एक छोटे से ग्लास में लगाया था और इस ग्लास में से मेरे पास एक ग्लास और था तो उसमें से जो है
प्लांट को हटा के मैंने इसमें लगा दिया था। तो आप देख सकते हैं ये एक बेकार मेरे पास डब्बा पड़ा हुआ था, तो इसमें मैंने इस प्लांट को लगाया हुआ है। और इसमें देखिए आप कितने अच्छे से इसमें पत्तियां आ रखी हैं, ब्रांचेज स्टार्ट हो रखी हैं। और ये जो है इसकी कटिंग को मैंने लगाया था, ये एक नया टोपियरी शेप मैं तैयार कर रही हूँ अपने गार्डन के लिए। तो ये देखिए मैंने इसको इस गमले में लगा रखा है। तो आप कहने का मतलब ये है कि आप छोटे से छोटे और बड़े से बड़े गमले में इस प्लांट को लगा करके तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो है एक और मैंने अपना जेड प्लांट लगाया था, तो ये मैंने मिट्टी के जो है मटके में लगाया हुआ है। और अभी बरसात की वजह से देखिए इसकी जो मिट्टी है, इसका जो ऊपर का क्ले है, लेयर है, वो हट गया है। तो इस तरीके से जो है मिट्टी के गमलों में अक्सर ये चीज़ हमें देखने को ज़रूर मिलती है। तो ये वाला जो प्लांट है इसमें देख सकते हैं आप ब्रांचेज आई हुई हैं, पत्तियों का आप साइज देख सकते हैं, इसमें छोटी छोटी और बड़ी बड़ी हर तरीके की पत्तियां आई हुई हैं। और ये देखिए इसमें बड़ी बड़ी पत्तियां भी आई हुई हैं। तो ये जो प्लांट है ये मेरा काफ़ी अच्छे से ग्रो कर गया है। और इसको जो है मैं पिकॉक वाला शेप देना चाहती हूँ, जो टॉपियरी शेप है, तो उसके लिए मैं इसे बड़ा कर रही हूँ। इसकी कटिंग्स जो हैं, मतलब जब मैं इसको पिकॉक की शेप दूंगी, तो ये जो है इसकी जो एक्स्ट्रा ब्रांचेज हैं इनको कट कर दिया जाएगा, और इनके लिए इसके लिए नए जो प्लांट्स को लगा लिया, इससे जो नए प्लांट्स बना लिए जाएंगे, नए गमले तैयार कर लिए जाएंगे। तो ये भी देखिए कितने अच्छे से लग करके तैयार हो गया है। ये मैंने DIY तैयार किया था, इसको मैंने जो है गमले को डेकोरेट किया था, और अभी इसका जो लेयर है मिट्टी का वो हट गया है, तो ये थोड़ा ऐसा लग रहा है। अदरवाइज जब मैंने इसको डेकोरेट किया था तभी बहुत ही प्यारा लग करके मेरे पास तैयार हो गया था। सो ओवरऑल जो है कहने का मतलब ये है कि जेड प्लांट को आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं, बहुत प्यारा प्लांट है और सनलाइट को पसंद करता है। सर्दियों में इसकी पत्तियां कुछ समय के लिए झड़ जाती हैं, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होता है फरवरी के महीने में, इसमें वापस से नई नई पत्तियाँ आती हैं और काफ़ी सारी जो है आप इससे नई कटिंग्स लेकर के नए पौधे तैयार कर सकते हैं। ये प्लांट वापस से ग्रोथ कर जाता है टेम्परेचर के बढ़ते ही। तो बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। अगर आपको इसकी कहीं से छोटी सी कटिंग भी मिल जाती है आप वही लगा लीजिए, उसी से आपके पास काफ़ी सारे जेड पौधे तैयार हो जाएंगे। सो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। और जो जेड प्लांट के लिए खाद जो होती है, तो खाद आप कोई भी होममेड फर्टिलाइज़र इसे दे सकते हैं, हर तरीके का फर्टिलाइज़र इसके लिए अच्छा होता है। घर पे बने हुए जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होते हैं, जैसे कि प्याज का फर्टिलाइज़र, केले के छिलके का फर्टिलाइज़र, तो ओवरऑल NPK इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। साथ ही साथ जब भी आप इसे मिट्टी में लगाते हैं उस वक्त आपको ध्यान देना है कि आप इसके अंदर गोबर की खाद ज़रूर मिलाइए, यानी सोइल जो आप इसके लिए तैयार कर रहे हो उसके लिए आप गोबर की खाद ज़रूर मिलाइए उसके अंदर। और उसमें प्लांट जो है देसी खाद में बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा और बहुत फास्ट ग्रो करेगा। तो वीडियो कैसा लगा आपको, अगर पसंद आया है देन प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू सो मच।